अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच बी आई सी इन्फॉर्मेशन। टुडे वी टॉकिंग अबाउट ऑयल प्रेशर स्विच। ये ऑयल प्रेशर स्विच कैसे काम करता है और इसके मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली आपने कनेक्शन कैसे करने होते हैं और फिजिकली आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में आज की हमारी वीडियो। वीडियो को आकर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमारी वीडियो को शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये डनफोर्स का है ऑयल प्रेशर स्विच है, इसका मॉडल नंबर है MB55। इसका जो टाइम डिले है, जो ट्रिप होने का जो टाइम डिले है वो 90 सेकंड का है। है हमारा स्विच, ये जो कनेक्शन पॉइंट है ऊपर का साइड में लो प्रेशर कनेक्शन, जो कंप्रेसर का जो क्रैंक है इसमें जो लाइन आ रहा है वो इसमें कनेक्ट करेंगे। जो कंप्रेसर का जो पंप का आउट जो ऑयल प्रेशर है वो हम इधर कनेक्ट करेंगे। ये इसका रिसेट बटन है, जो एक बार ट्रिप होने से हम लोग यहाँ से इसको रीसेट कर सकते हैं। ये इसका कनेक्शन टर्मिनल है, ये ड्यूअल वोल्टेज में भी काम करता है। इसको हम लोग 110 वोल्ट में भी और 220 वोल्ट में भी इसको हम लगा सकते हैं। ऊपर जो है 230 वोल्ट है, ये लाइन जो कंट्रोल है 115 वोल्ट है। ये जो एस लिखा हुआ है ये ट्रिप इंडिकेशन है, एम जो है मोटर जो कंट्रोल जो कंडक्टर के लिए जा रहा है, T2 जो है वो पावर सप्लाई, T2 और 0, 230 जो है 220 वोल्ट देना है हमको। जो 110 वोल्ट रहेगा तो हम T2 और 115 में देना है। इसका कनेक्शन कैसा है मैं आप लोगों को दिखाएंगे। इसका जो सेटिंग है हम लोगों ने इसको ऑन पावर पे सेट किया हुआ है। इसको कैसे सेट करना है आप लोग देख सकते हैं, इधर एक गियर है, ये गियर को हम लोग क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज घुमाने से ये प्रेशर का जो है सेटिंग्स ऊपर नीचे जाएगा। ये जो पॉइंट है उसका टेस्ट पॉइंट है, हम लोग उसको टेस्टिंग करने के लिए ये पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऑयल प्रेशर स्विच का वायरिंग कैसे किया जाता है मैं अभी आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग उसमें 220 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारा पावर है लाइन हम लोग T2 में दे देंगे। न्यूट्रल जो है 0 पे दे देंगे। इसको जो ट्रिप इंडिकेशन दिखाने के लिए मैं स्विच भी सॉरी एक लाइट भी इसके साथ कनेक्ट करेंगे हम लोग। जो ट्रिप जो है S1 में जाएगा। न्यूट्रल हम लोग डायरेक्ट पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया। अभी जो लाइन जो कंट्रोल है हम लोग इसमें से लूप ले लेंगे। हमारे पास एक कंडक्टर है, हम लोग इसको इसके साथ कनेक्ट करके चालू करके देखेंगे। जो कंडक्टर का एक कोयल है हम लोग मोटर के साथ एम का साथ कनेक्ट किया। मोटर का जो न्यूट्रल जो है हम लोग इसमें दे दिया 0 के साथ। बीच में हम लोग दोनों साइड में लो साइड और ऑयल साइड में कनेक्शन नहीं दिया, हम लोग डायरेक्ट इसमें पावर ऑन कर रहे हैं। जल्दी ट्रिप हो जाएगा, ये ट्रिप होने से ये लाइट ऑन होएगा। अब
पे कंडक्टर ऑन है, हमारा सर्किट ओपन है, क्योंकि ऑयल प्रेशर लो प्रेशर साइड से हम लोग कनेक्ट नहीं किया, इसलिए सर्किट ब्रेक होएगा, क्योंकि ये जो हीटर है ये हीट होने से ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, एक एल और एम को ब्रेक कर देगा। नाइन्टी सेकेंड डिले है इसका, तो देख सकते हैं ऑयल प्रेशर स्विच ट्रिप कर दिया, एक कंट्रोल ब्रेक हो गया, अपना कॉन्टैक्टर ऑफ होके ट्रिप इंडिकेशन आ गया। अब मैं आप लोगों को दिखाएंगे इसको दोनों साइड में प्रेशर देकर इसको कैसे टेस्टिंग किया जाता है। हमने दोनों साइड में अपना गेज मैनिफोल्ड का लाइन कनेक्ट किया हुआ है, ये हमारा गेज है, अभी इसमें प्रेशर नहीं है। जो ऑयल प्रेशर जो है, नेट ऑयल प्रेशर जो है, ऑयल प्रेशर माइनस सक्शन प्रेशर है। सपोज अभी हम लोगों ऑयल प्रेशर 10 बार है, सक्शन प्रेशर 6 बार है, उसका जो डिफरेंस जो है 4 बार है, वही नेट ऑयल प्रेशर होते हैं। अभी ये सिस्टम के साथ कैसे है वो एक्टिवेट होता है वो मैं आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग लो साइड में उन्होंने 5 बार दे दिया, फाइव बार प्रेशर दिया हुआ है लो साइड में। अभी जो ऑयल साइड में हम लोग एट बार है, ये 5 बार है, ये 8 बार है, इसका डिफरेंस जो है 3 बार है, वो जो है नेट ऑयल प्रेशर। अभी हम लोग इसका मेन पावर ऑन करेंगे, कॉन्टैक्टर एक्टिवेट होएगा लेकिन ट्रिप नहीं होएगा, क्योंकि जो प्रेशर है इसको सफिशिएंट ऑयल प्रेशर इसको मेंटेन रखा हुआ है। हमारा जो सेटिंग जो है ऑन बार है, अभी ऑलरेडी हमारा नेट ऑयल प्रेशर जो है 3 बार है। अभी जो नेट ऑयल प्रेशर जो ड्रॉप होकर वो कंप्रेसर का ऑयल प्रेशर ड्रॉप होकर वो 6 पे आएगा, सेक्शन प्रेशर जो 5 बार, जो ऑयल प्रेशर जो है 6 बार पे आने से इसको ट्रिप कर देगा, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल जो है 1 बार का है। मैं जो ऑयल प्रेशर को ड्रॉप कर देते हैं, अभी ऑयल प्रेशर को ड्रॉप करने से वो 6 पे आ जाएगा, ये 5 सेक्शन साइड 5 ऑयल साइड 6 में रहने से ये ट्रिप कर देगा। ये 5 पे रखा हुआ है, मेरा सेटिंग जो है 1 बार है। अभी दोनों के बीच में जो डिफरेंशियल है 1 बार है,
एक बार और उसका नीचे आने से इसका जो सर्किट ऑयल प्रेशर का वो ब्रेक हो जाएगा। जो एक गरम हो रहे अभी, इसका डिले जो है मैंने आपने आप लोगों को पहले बता चुका हुआ है, इसका 90 सेकंड का डिले है। ये 90 सेकंड में ये ट्रिप हो जाना चाहिए। जो ऑयल प्रेशर स्विच का ये ऑयल प्रेशर स्विच है जो 90 सेकंड डिले का भी आता है, 45 सेकंड का भी आता है, 120 सेकंड का भी आता है। मतलब जो एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वही हिसाब से हम लोग उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी ट्रिप हो गया क्योंकि सेक्शन प्रेशर और ऑयल प्रेशर उसका डिफरेंशियल कम होने से अभी ट्रिप हो गया। अभी हम लोग प्रेशर उसको रिसेट कर देंगे। ये जो सेट बटन जो है यहाँ पे रिसेट कर दिया अभी इसको। इधर साइड में हमने पहले बताया था ये टेस्ट बटन है, तो कैसे टेस्टिंग किया जाता है मैं आपको दिखाएंगे। इस सिस्टम में लगाने के बाद ऑयल प्रेशर स्विच को टेस्ट करना होगा, तो जो नॉर्मल प्रेशर में ये जो फ्लैप है ये पट्टी जो है ऊपर की तरफ रहता है, हम लोग उसको नीचे की तरफ दबा के पकड़ना है। ये भी 90 सेकंड डिले है, हम लोग उसको प्रेस करके रखना है। अभी और टेस्ट बटन हम लोग प्रेस करके रखने से ऑयल प्रेशर ट्रिप कर दिया। उस वक्त उसको ट्रिप होने के बाद ये जो पट्टी जो है सेंटर पे आ जाएगा। अभी सिस्टम ट्रिप हो गया। हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो उसका सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें।